हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको राउंड शेप में डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। और ये देखिए, आज मैंने ये 40 फंदे से बनाया है। 40 फंदे का काफ़ी बड़ा बनेगा। जैसे आपको पूजा का आसन वगैरह बनाना है तो आप 40 फंदे का बना लीजिए, और साड़ी और चुन्नी से तो और भी बड़ा बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये डोरमेट बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है, और हम ये दो कलर से ही बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका डिज़ाइन पहले भी मैंने डाल रखा है, लेकिन काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें बड़ा बनाना है, बड़ा बना के दिखाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। 40 फंदे का मैं बताऊँगी, और ये वाला थ्रेड थोड़ा सा हम बड़ा रख लेंगे। ये देखिए, ऐसे हम एक नॉट लगा लेंगे। ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ फ्रेंड, जिसको डालने आते हैं वो आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा। और ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, देखिए, सात, आठ, नौ, दस। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसमें फंदे डालेंगे। तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। 38 फंदे मैं ग्रीन के डालूंगी, और ऊपर दो फंदे मैं वाइट से डालूंगी। तो मैं फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए, दो फंदे मैंने इसमें वाइट से डाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बेसिक रो बनाएंगे। ये देखिए, आराम से देखिए, इसको हम ऐसे कर लेंगे। देखिए, क्रॉस किया है मैंने यहाँ पे, और ये ऐसे ही हम ये पूरी रो उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं इसे नीचे तक कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा फंदे हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। ये देखिए, नीचे तक आ गई हूँ मैं बनाती हुई। इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल बनाया है। और ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड बनेगी। इस साइड से भी फर्स्ट वाला ऐसे उतार लेंगे, और ये पूरी रो में इसी तरीके से उल्टा उल्टा बना के ऊपर तक इसको मैं लेके जाऊंगी। ये देखिए, इसी तरीके से आपने बनाना फ्रेंड्स। इस साइड से जो फंदा जिस कलर का होगा उसी कलर से आपने बनाना है। तो मैं इसे ऊपर तक बना लेती हूँ। ये देखिए, ऊपर तक आ गई हूँ मैं। ऊपर हमारे दो फंदे वाइट कलर के हैं। तो देखिए, थ्रेड को मैं ऐसे पीछे कर दूंगी, और पीछे से ये ऐसे क्रॉस करके लेके आऊंगी। ये देखिए, इसको मैं उल्टा बनाऊंगी, और किनारे वाले को मैं थ्रेड पीछे करके सीधा बना दूंगी। ये देखिए, दो बेसिक रो फ्रेंड्स मैंने इसकी बना ली हैं। अब देखिए, अब हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो दो फंदे मेरे पास वाइट के हैं, मैं इसमें दो और ग्रीन के कन्वर्ट कर दूंगी। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे चार हो गए, और आगे के फंदे में सारे ही नीचे तक इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, नीचे तक आ गई हूँ मैं। अब नीचे दो फंदे मैं बिना बने छोड़ दूँगी। दो दो फंदे हम यहाँ से छोड़ेंगे। देखिए, फर्स्ट वाला उतार लेंगे, और इस साइड से इस रो को मैं ऊपर तक बनाऊँगी। ऊपर मैं एक बार और दिखाऊंगी आपको कि हमें थ्रेड को इस साइड कैसे लेना है क्रॉस करके। तो मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए, अब इसको हम पीछे कर देंगे, और पीछे से वाइट ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। ये देखिए, ये तीन फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी, किनारे वाले को मैं सीधा बनाऊंगी। ये देखिए, इसी तरीके से आपने बनाना फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे किनारे पे बहुत ही सुंदर सी छोटी सी बनती जाएगी। अब एक बार और देखिए, फिर मैं इसको कली को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, दो हमने पहले रखे थे, दो पिछली बार हमने कन्वर्ट कर दिए थे, दो हम इस बार और ऐड कर लेंगे, और पीछे हम दो फंदे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, इस साइड तो हम दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, और ये वाइट का कलर हम अंदर तक लेके जाएंगे। तो मैं आपको, जब दो फंदे मेरे बीच में बच जाएंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगी, जब तक हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे, ऊपर से अंदर की तरफ आएंगे, और पीछे हम दो दो फंदे छोड़ेंगे। तो मैं इसे बना लेती हूँ। वाइट को हम अंदर की तरफ ले आए हैं,
और पीछे से हमने सारे ही देखिए दो दो करके फंदे छोड़ दिए हैं। अब देखिए जितने भी फ्रेंड्स आप इसमें फंदे डालो उतने आप इसे बड़ा बना सकते हो। दो फंदे बस एक्स्ट्रा डालिए और जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए ये दो फंदे बचे हुए हैं, इनको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने सारे ही फंदे छोड़ रखे हैं और ये आगे के फंदे देखिए ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ये हम नीचे तक बना लेंगे। ध्यान से देखिए दो दो करके हमने यहाँ तक फंदे छोड़ लिए थे, अब हम एक बार इनको बना लेंगे। काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा फ्रेंड्स जी, और अगर आप साड़ी और चुन्नी से बनाओगे तो ये और भी बड़ा बनेगा। साड़ी और चुन्नी से भी बने बनाकर बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन आप जाके देख सकते हो। ये देखिए अब राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बनाऊंगी। इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी, देखिए बना लेती हूँ मैं इसे और देखिए ऊपर तक आ गई हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब दिखाई देगा आपको, ऐसी आपकी छोटी सी बनती जाएगी इस तरीके से आप इसे बनाओगे तो। इस साइड से ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए ये हमारे हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब हम ये 20 फंदे ही बनाएंगे, ये दो फंदे हम ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे और ये हम अब ये डिजाइन फ्रेंड्स ऊपर की तरफ जाएगा, ये देखिए, और इसको हम नीचे तक बनाएंगे और फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए फिर से हम दो दो फंदे छोड़ने स्टार्ट करेंगे नीचे से, क्योंकि हमें नीचे से गोलाई बनानी है। ये देखिए दो फंदे छोड़ देंगे, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, राइट साइड से इस रो को मैं उतार के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ऊपर तक आ गई हूँ मैं इसे बनाती हुई। अब एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स इस फ्लावर को अब हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। दो फंदे थे हमारे वाइट के, ये सारे हमने ग्रीन के कन्वर्ट किए थे, तो दो फंदे ही रहने तक मैं इसको इसी तरीके से बनाऊँगी और पीछे हम दो दो फंदे इसी तरीके से छोड़ते हुए आएंगे। बहुत सिंपल डिज़ाइन है फ्रेंड्स और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बिल्कुल 3D की लुक देगा। ये देखिए फिर से हम ये दो फंदे, ध्यान रखिए अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ये नीचे के फंदे मैं नीचे तक बनाऊंगी और दो फंदे फिर से छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स इस को मैं ऊपर तक यहाँ तक लेके आऊंगी, इसे मैं बना लेती हूँ। देखिए हमारा फ्लावर ऊपर की तरफ जाने लग गया है तो मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए ऊपर तक ये मेरा फ्लावर यहाँ तक आ गया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, ये दो फंदे भी हम ये ग्रीन से बना देंगे और देखिए दो फंदे हमारे ग्रीन के हो गए। यहाँ से अब हम अपना कलर चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए हर बार आपने ऐसे ही करना है और ये अब सारे फंदे हम नीचे तक बना देंगे।
जैसे हमने फंदे डाले थे ग्रीन के, हमने फंदे डाले थे और दो फंदे हमने वाइट के रखे थे। अब हमारे वाइट के हो गए 38 फंदे हो जाएंगे और दो फंदे हमारे ग्रीन के, हमने अपने कलर को चेंज कर दिया। ये देखिए यहाँ तक हमने दो दो करके फंदे छोड़ लिए थे, इस रो में हम ये अपना कलर भी चेंज कर लेंगे और अपने फंदे भी बना लेंगे। ये देखिए अब जहाँ पे फ्रेंड से कली जो नीचे हमने डिजाइन बनाया है, जहाँ पे ग्रीन था वहाँ पे हमारा वाइट हो जाएगा और जहाँ पे वाइट था वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। बनाने का तरीका सेम है, इसी तरीके से आपने बनाना है, लेकिन कलर आपने इसी तरीके से चेंज करने। ये देखिए सारे ये फंदे हम नीचे तक बना लेंगे, इस साइड से भी इस रो को कंप्लीट करेंगे बना के। ये देखिए इसको हम पीछे कर देंगे, पीछे से ग्रीन आगे लेके आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस रो में हमने अपने कलर को चेंज कर लिया है, इसी तरीके से आपने करना है। ये देखिए अब जो ये हमारे चेंज हो गए दोनों कलर, ये अब यहाँ पे जो ये कली बनी है ग्रीन की, अब आगे वाइट की बनेगी और ये पूरा फ्लावर हमारा ग्रीन का बनेगा। ये देखिए स्टार्टिंग करके दे दूँ मैं आपको, इसी तरीके से आपने बनाना है। एक बार हम इसको नीचे लेके जाएंगे, देखिए दो फंदे इसमें कन्वर्ट कर दिए और दो फंदे नीचे छोड़ देंगे। इसको हम अंदर तक लेके आएंगे, जैसे ये लेके गए थे फिर हम बाहर की तरफ लेके आएंगे। जब आपका पूरा हो जाएगा तो फिर से आपने इसी तरीके से कलर चेंज करना है, फिर हमारे अगली बार यही आ जाएंगे, दो वाइट के और पूरे सारे हमारे ये वाले ग्रीन के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने इसको चेंज करते जाना है और बनाते जाना है, काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा। तो मैं भी इसे कम्प्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।